नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राहों ने स्वागत बिछाए पलक पावड़े, अब शहर की बारी। बुधवार को नगर में प्रवेश करेगी भगवान जगदीश स्वामी की भव्य और दिव्य रथ यात्रा। विदिशा जिले के गंजबा चौदा जगत के नाथ पुकारे जाने वाले महाप्रभु भगवान जगन्नाथ उड़ीसा से चलकर गांव के रास्तों को नाप कर अब धीरे धीरे हमारे नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। रथ यात्रा के स्वागत को लेकर गांव में भी आस्था और श्रद्धा के साथ सामाजिक समरसता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। हर वर्ग रथ यात्रा के स्वागत में आतुर नजर आए। गांव में हर घर की देहरी गोबर से लिपि और रंगोली बनी हुई दिखी। वहीं घर हो या सड़क, महिलाएं पूजन का थाल सजाए प्रज्वलित दीप लेकर सिर पर कलश और मंगल गीतों के साथ पुष्प वर्षा कर आरती करते हुए नजर आए। पुरुष वर्ग ग्रामीण वाद्य यंत्रों पर नाचते हुए ऐसे नजर आए जैसे कि आज मानो उनके घर में कोई बड़ा मांगलिक उत्सव हो। गांव में उपलब्ध प्राकृतिक सीमित संसाधनों के बाद भी ग्रामीणों ने स्वागत सत्कार में ऐसे पलक पावड़े बिछाए जिससे कि देखकर भक्त और भगवान गदगद होते नजर आए। भगवान जगदीश स्वामी और साथ चल रहे पदयात्रियों के रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को पदयात्रा गाजे बाजे के साथ ग्राम राजवंश से नगर की तरफ बढ़ना प्रारंभ हुई, जो मैनवाड़ा तयोंदा रसूलपुर होते हुए रात्रि विश्राम के लिए घटेरा पहुंचे। नगर में भी भगवान जगदीश स्वामी के आगमन को लेकर जोर शोर से भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। मालूम हो कि करीब 1200 किलोमीटर और 40 दिन की यात्रा के साथ भगवान जगदीश स्वामी बहन सुभद्रा और बलभद्र जी ने नवीन विग्रह को जगन्नाथपुरी से पदयात्रा करते हुए नगर में लेकर आ रहे करीब 40 पदयात्रियों की यात्रा अभी तक 1150 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। 17 जनवरी बुधवार को ये रथ यात्रा नगर में प्रवेश कर जाएगी। अप्रैल के महीने में वेत्रवट्टी घाट स्थित नौलखी आश्रम पर भगवान जगदीश स्वामी के नवीन विग्रहों की स्थापना होनी है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा छत्तीसगढ़ के रास्तों को नापते हुए रथ यात्रा के में मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों को पार कर रविवार को विदिशा जिले की सीमा में प्रवेश किया। रथ यात्रा को यात्रा बनाने श्री महंत ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। रथ यात्रा के ग्राम राजवान पहुंचने पर उसे यात्रा बनाने के लिए अनूठा प्रयास देखने को मिला। पूर्व मंडी अध्यक्ष कमल सिंह रघुवंशी के गृह ग्राम में सभी पदयात्रियों के जोरदार स्वागत के साथ उनके रुकने की व्यवस्था की गई। ग्राम राजवान निवासी मुकेश रघुवंशी, दीपाल सिंह एवं एडहर्ष रघुवंशी सहित पदयात्रियों के साथ रथ यात्रा के निर्मित नौलखी खालसा के श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज के हाथों रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया। नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी राजवंश पहुंचकर रथ यात्रा और पदयात्रियों का स्वागत किया। रथ यात्रा में पहले दिन के साथ चल रहे ग्राम मटियाई से हरि सिंह कुर्मी पटेल के घर गृह ग्राम में जोरदार स्वागत किया गया। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।